टी आर एस स्कोर आपको सिर्फ तीन सौ चाहिए हाई गाइज वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पाँच पी आर प्रोग्राम्स के बारे में जिसमें पी आर लेना थोड़ा सा ईजी है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स और आई वुड से एज़ कंपेयर टू द एक्सप्रेस एंट्री पी आर प्रोग्राम जो सबको पता है ठीक है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गो तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन जो जैसे मैं अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बात करती हूँ कि अटलान्टिक पायलट प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पीआर लेना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि एटलांटिक एरियाज़ जो हैं कनाडा के वहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे लोग चाहिए इसलिए वहाँ पे पी के रूल्स थोड़े से ईजी होते हैं तो उसी साइड के एक प्रोग्राम की बात करेंगे जिसका नाम है न्यू एंड लैब्रोडर इंटरनेशनल स्ट्रीम एटलांटिक एरियाज़ हैं बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है इन एरियाज़ में लोग बहुत कम है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है उनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है जिसलिए इनका ये प्रोग्राम बहुत ही ईजी है जैसे कि हर प्रोग्राम की कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं इसकी भी कुछ शर्तें हैं बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नंबर वन इनकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप रिसेंट ग्रेजुएट होए होने चाहिए डजेंट मैटर पूरे कनाडा में कहाँ से आपने स्टडी करी है बट आप रिसेंट ग्रेजुएट हुए होने चाहिए और नंबर दो है आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होना चाहिए आयल्स की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ही कम है सी एल बी फोर चाहिए मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगी कि सी एल बी फोर का मतलब क्या होता है मतलब कितने आयल्स के बैंड को सी एल बी फोर बोलते हैं सी एल बी का मतलब होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंच मार्क जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ आपको और लास्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है आपको जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए बट चाहिए ओनली न्यू फाउंड एंड लैबराडोर से ही तो न्यू फाउंड एंड लेबराडोर्स में जॉब्स अप्लाई जॉब जॉब्स को अप्लाई करना शुरू कर दो उसमें जहाँ से भी आपको जॉब मिलती है वो आपको जॉब ऑफर भेजेंगे जॉब ऑफ़र लेटर भेजेंगे वो तो जस्ट सिंपल प्रोसेस होता है कि हर किसी एम्प्लॉयर के आ, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप कहीं पे भी जॉब शुरू करते तो वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेजते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील टू गेट इट तो वो जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए तो आप उसके लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो आगे बढ़ते हैं नंबर दो जो प्रोग्राम है जिसका नाम है नोवा स्कोशिया ऑक्यूपेशन एंड डिमांड स्ट्रीम तो नोवा कौशिया के वैसे तो मैंने और भी प्रोग्राम शेयर करें आपके साथ मेरी कंप्लीट एक वीडियो है नोवा कौशिया के प्रोग्राम के ऊपर बट ये प्रोग्राम उससे थोड़ा सा डिफरेंट है नोवा कौशिया ऑक्यूपेशन एंड डिमांड स्ट्रीम जैसे कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा होगा कि इसमें वो जॉब्स आती हैं जिनकी कैनेडा में डिमांड्स हैं स्किल्ड वर्कर्स की जॉब होती हैं कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैं बता देती हूँ आपको इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस है चाहे वो कैनेडा में कहीं से भी है तो जॉब्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए क्लीनर्स हो गए फूड सर्वर हो गए ट्रांसपोर्टेशन में जो काम करते हैं वो हो गए तो ये सारी कैटेगरीज ये कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं बट इसकी कंप्लीट एक लिस्ट है कि कौन कौन से लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो जो आपकी जॉब है वो टीयर थ्री फोर एंड फाइव में होनी चाहिए टीयर फोर थ्री फोर फाइव में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ से आप चेक कर सकते हो अगर आपके पास इन कैटेगरीज में टीयर थ्री फोर एंड फाइव में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एक साल का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है तब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो तो कई लोगों का जैसे रहता है कि नहीं क्योंकि आप सबको जैसे पता ही है मोस्टली अगर हम बाहर से आते हैं मतलब इंडिया से आते हैं या किसी और कंट्री से कनाडा आते हैं मूव होते हैं कनाडा तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे दिमाग में चीजें रहती है कि ऑनटेरियो जाना है जहाँ बी जाना है ये दो जगह ही मोस्टली लोग जो है माइग्रेट करते हैं इंडिया से बट अगर आपको फिर वो उनका क्योंकि जब हम पहली बार किसी कंट्री में जाते हैं तो जहाँ पे हम रहना शुरू कर देते हैं वही जगह हमें अच्छी लगनी लगती है बाद में हम सोचते हैं कि नहीं यार अब हमने मूव नहीं करना बट मैंने खुद अपनी जो पीआर है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से ली थी तो हमारे दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए एक बार हम पीआर हो गए उसके बाद तो हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं राइट तो इसलिए पहले हमारा फोकस होता है जो वो पीआर पे ही होना चाहिए चाहे आप किसी भी स्टेटस पे कनाडा क्यों ना आ रहे हो चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो चाहे वर्क परमिट पे आ रहे हो तो आपका पहला जो मोटिव है वो आपका पी ही होना चाहिए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर तीन की नंबर तीन है ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया इसको बी भी बोलते हैं ये कनाडा के वेस्ट कोस्ट में पड़ता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा आप इस प्रोग्राम के अंडर फॉल करते हो अगर आपने अपनी जो स्टडी है वो कनाडा में करी है और वो स्टडी कनाडा में कहीं से भी करी है डजेंट मैटर कि वो ऑनटेरियो से करी है डजेंट मैटर वो वो आपने अल्बर्टा से करी है या बीसी से करी है या कहीं से भी करी है तो ये प्रोग्राम में आप फॉल करते हो बट इस प्रोग्राम की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके स्टडी करने के बाद विद इन थ्री ईयर्स में ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो तीन साल के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो जैसे आपकी स्टडी ख़त्म होती है स्टडी के मतलब तीन साल के अंदर अंदर ही आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हो और स्टडी की दूसरी इम्पोर्टेंट इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्टडी जो है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए मतलब जो कम्युनिटी कॉलेज जिसको हम बोलते हैं Uh, तो उसमें से ही पहले जब मैं आई थी तब एस के अंडर भी कॉलेज बोलते थे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट वो सेम चीज़ें ही होती है बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्टडी है वो प्राइवेट कॉलेज से नहीं होनी चाहिए आपकी स्टडी वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए कैनेडा डॉट सी की वेबसाइट पे पूरी कंप्लीट लिस्ट दे रखी है कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से है कैनेडा में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उसमें चेक कर सकते हो कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से कि क्या आपका जहाँ से आपने स्टडी करी है क्या वो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट के अंडर आता है कॉलेज या नहीं आता है और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें आपको टीयर वन टू थ्री में जॉब ऑफर चाहिए yes, 1, 2, में आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए फ्रॉम द इम्प्लॉयर इन बी सी जैसे मैंने आपको पहले जो आप प्रोग्राम के बारे में बताया उसमें भी सेम रिक्वायरमेंट थी क्योंकि अगर आप वैसे भी मूव करते हो चाहे आप कनाडा में कहीं से भी आपने पीआर लेने का आप सोच रहे हो जॉब तो आपको चाहिए ही चाहिए राइट जॉब आपने अप्लाई करनी है अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको ऑफर लेटर तो मिलेगी मिलेगी जॉब लेटर जो ऑफर लेटर होती है कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं तो वो जॉब ऑफर लेटर आपको चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम राइट और कोई भी इसकी जो रिक्वायरमेंट वो नहीं है आई नो इट्स लिरेबल ट्रिकी टू गेट द जॉब बट मेरा मानना ये है कि अगर आपने कहीं जॉब तो करनी ही है राइट पीआर लेने के लिए जॉब तो आपको कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी तो वाई नॉट अगर आप उसी प्रोग्राम के अंडर या उस स्ट्रीम के अंडर या उस प्रोविंस के अंडर जॉब अप्लाई करो जहाँ पे आपको पीआर इजीली मिल रही है फटाफट आपका पीआर का काम हो जाता है उसके बाद आप किसी भी प्रोविंस में कनाडा में ऑल ओवर कनाडा कहीं पे भी सेट हो सकते हो तो एज में इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नो अपर एज लिमिट है तो आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रोग्राम की तरह तो चौथा प्रोग्राम हमारा है अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक प्रोग्राम जिन लोगों को बीसी के बारे में पता है उनको अल्बर्टा के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा क्योंकि अल्बर्टा एंड बीसी दोनों पास पास ही हैं और अल्बर्टा में बहुत ही ठंड पड़ती है अल्बर्टा बहुत ही ठंडी जगह है कनाडा में इस प्रोग्राम के अंडर वो लोग फॉल करते हैं जिनके पास टेक में कोई एक्सपीरियंस है टेक में एक्सपीरियंस मतलब आईटी वाले लोग हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर फॉल करती है जैसे मैं आपको बता देती हूँ जैसे जो फाइनेंस सेक्टर में है जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज में है इवन की जो लोग सेल्स में भी हैं वो भी इस प्रोग्राम के अंडर फॉल करते हैं और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहां पे आप चेक कर सकते हो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस प्रोग्राम की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो है कि इसमें सी आर एस स्कोर आपको सिर्फ तीन सौ चाहिए जी हाँ थ्री हंड्रेड सी आर एस स्कोर जो नॉर्मली ट्वेल्थ जो करते हैं उनका भी बन जाता है प्लस टू करके जो कैनेडा हैं उनका भी बन जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी अगर आप एचआर सेक्टर में हो जहाँ आप सेल्स में हो जहाँ फाइनेंस में हो जहाँ आप आई टी में हो टेक जॉब्स अगर आप करते हो तो इस प्रोग्राम के अंडर आप फॉल करते हो कंप्लीट एक बार लिस्ट आप जरूर देख लीजिए कि कौन कौन सी जॉब्स में मतलब आ, इसके अंडर फॉल करती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सी एल बी सेवन चाहिए आपको जी हाँ सी एल वी सेवन चाहिए इसका भी मैंने आपको स्क्रीन शॉट ऊपर लगा दिया है कि सी एल वी सेवन का क्या मतलब होता है कि आपके आइल्स में कितने बैंड होने चाहिए और लिंक भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ईजीएस्ट थिंग जो मुझे लगी कि ऑल ओवर कैनेडा में सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास कहीं से भी इन जॉब कैटेगरीज में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फॉर कंप्लीट वन ईयर तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है सीआरएस स्कोर भी लेना बहुत ईजी है सी एल बी सेवन भी बंदा ले लेता है जॉब जो मैंने आपको बताई इन कैटेगरीज में आपके पास एक साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस होना चाहिए और दैट्स uh, इट ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और द मोस्ट गुड न्यूज इज द प्रोसेसिंग टाइम इज ओनली सिक्स मंथ्स जी हाँ इसका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ सिक्स मंथ्स का है तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है जो कनाडा में रहते हैं अब तो उनका वैसे सिक्स मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम होता था बट अब तो उनका भी बढ़के बहुत ज़्यादा हो चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोग्राम जिसका नाम है ओंटेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम जिसको ओ एन आई पी भी बोलते हैं मोस्ट लवेबल प्रोविंस है सबके लिए ये ओंटेरियो सेवेंटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ओंटेरियो में ही रहती है चाहे वो माइग्रेट होके आए हो चाहे वो कनाडा के ही लोग क्यों ना हो सबको बहुत ही ज्यादा ओंटेरियो में रहना ही पसंद होता है क्योंकि ओंटेरियो टोरोंटो इज मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन कैनेडा इस प्रोग्राम के लिए आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए कैनेडा में और जो आपकी एज है वो फोर्टी नाइन ईयर्स ओल्ड से नीचे होनी चाहिए इसमें चाहे तो आप सिंगल भी अप्लाई कर सकते हो अपने स्पाउस के साथ भी अप्लाई कर सकते हो और वन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्किल्ड ट्रेड पर्सन इन कैनेडा स्किल्ड ट्रेड में कैसी कैसी कैटेगरीज जॉब की आती है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन पलम्बर कारपेंटर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड टेक्नीशियंस राइट तो ये सारे जो है स्किल्ड ट्रेड वर्कर में आते हैं और इसकी बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें स्कील भी ओनली फाइव चाहिए आपको जो कि बहुत ही कम होता है बाकी मोस्ट ऑफ़ द प्रोग्राम्स में सिक्स सेवन चाहिए होता है जो थोड़ा सा हाई हो जाता है और इनफैक्ट ये जो जॉब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड है कैनेडा में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैनेडा में जिनके पास इलेक्ट्रिशियन का प्लंबर का कारपेंटर का ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अच्छी कैटेगरीज हैं कैनेडा में मानी जाती है बहुत ही हाईली पेड जॉब्स होती हैं ये कैनेडा में इनफैक्ट जो वाइट कॉलर जॉब्स भी करते हैं उनसे भी ज़्यादा पे ये लोग लेते हैं तो ये बहुत ही रेपुटेटेड जॉब्स भी कनाडा में मानी जाती हैं और इनकी स्टार्टिंग वेज ही मतलब जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है उनकी स्टार्टिंग वेज ही ट्वेंटी डॉलर पर आवर से स्टार्ट होती है तो ये सारी चीज़ें थी ओ प्रोग्राम के लिए और भी बहुत सारी इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी एक कम्प्लीट सेपरेट वीडियो बनेगी क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को आज यहीं पे फिनिश करते हैं ये पांच प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं थोड़े से इजी हैं एज़ कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स तो इनको थॉरली एक बार ज़रूर खुद भी चेक कीजिए सब कुछ आपको कैनाडा डॉट सी ए की वेबसाइट पे मिल जाता है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आज के लिए इतना ही ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक किया कीजिए हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है ऐसे आप मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सर्च करने के लिए तो इसके लिए एफर्ट्स करती हूँ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ये जो कैनेडा आना चाहते हैं तो विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तो